जहर खवा के पेट्रोल डाल के फूंक दिया पूरा शरीर उनका फूंक दिया। छोटे छोटे बच्चे लेके भागते हैं न्याय के लिए, कोई मैं न्याय नहीं दिलाता है। हम कई बार आ गए हैं मुख्यमंत्री के पास, बाबा जी के पास, मगर वो मिलते नहीं है। हमको इंसाफ चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर एक पीड़िता जो है वो अखिलेश यादव के दरबार पे पहुंची हैं और उनको न्याय की उम्मीद भी है। इनका कहना है कि हम काफ़ी बार मुख्यमंत्री के पास गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कुछ समस्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आएंगे? राम जानकी और सफीपुर थाना भुरधरी नाम है गाँव का। उन्नाव से? उन्नाव से आए। क्या कुछ समस्या है? समस्या ये है, पहले हमारी खेती हमारे जेठानी ने हमारे घर वाले से बहाना करके लेवा ले गई कि तुम्हारी खेती का जो पैसा आता है वो कागज़ बनवा देते हैं। वहाँ जाके पता नहीं हमारे आदमी को क्या कर दिया, उनको पता नहीं चला और ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लिया। कहने लगे 5 लाख रुपया तुम्हारे उसमें आएगा खाते में। फिर उनको पता नहीं चला कितना ये था। 2022 की बात, 2022 का जनवरी, और अभी तक पैसा नहीं आया। पैसा अभी तक नहीं आया, न मिला एक पैसा। और अब फिर हमने पूरा नाम करवा के मार दिया उनको। फिर उन्होंने दाखिल खारिज करवा के और फिर उनको मार दिया, जहर खवा के पेट्रोल डाल के फूंक दिया पूरा शरीर उनका फूंक दिया। क्या नाम था उनका? उनका श्री राम नाम था। और किसने करा ये काम? ये काशी प्रसाद और उनके लड़का भीम और उसकी माँ रामरती। कितनी जमीन? पौने 2 बीघा। तो आप मुख्यमंत्री के पास भी गए? हम कई बार आ गए हैं मुख्यमंत्री के पास, बाबा जी के पास, मगर वो मिलते नहीं हैं। हमको इंसाफ चाहिए। तो एप्लीकेशन वगैरह आपने दी? हम बहुत बारी दिया है एप्लीकेशन, हर जगह दिया है, हम बहुत थक गए देते देते, अब हम कहाँ जाएं? क्या नाम है आपका? मेरा राम जानकी। आपकी बेटी है? ये हमारी बेटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। क्या है पूरा नाम? मामला ये है, पहले हमारे पिताजी से खेती लिखवा ली गई बहला फुसला के। कितनी जमीन पर? 2.25 बीघा। और उसके बाद में बनामा चल रहा था, बनामा चलते चलते पूरी खेती लिखवा के उन्होंने मार दिया, चेर खिला के और तेजाब डाल के। हम लोग इधर उधर भटकते भटकते यहाँ तक पहुँचे। सारी एप्लीकेशन डाल डाल के थक गए, तब हम भाई जी के पास आए उनसे मदद मांगने के लिए। क्या उम्मीद है आप? उम्मीद यही है कि भाई जी मदद करेंगे हमारी। पूरा परिवार जो है उन्नाव से वो यहाँ पे आया है अखिलेश यादव के दरबार में, समाजवादी पार्टी का मुख्यालय है यहाँ पे, इनको उम्मीद है कि अखिलेश यादव इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। देख रहे हैं पूरा परिवार, 4 बेटियाँ हैं और एक बेटी के तो बच्चे भी आए हुए हैं। क्या कुछ बच्चों को लेके आप यहाँ ही, कब से यहाँ पर हैं? हम सुबह से हैं। सुबह से आते हैं? हाँ जी। तो इससे पहले भी लखनऊ आ चुके हैं आप लोग? हाँ जी आ चुके हैं, 1 महीना हो गया। मैं दौड़ते दौड़ते एप्लीकेशन भी डालो, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है हमारी, पता हम कहाँ जाएंगे। हम छोटे छोटे बच्चे लेके भागते हैं न्याय के लिए, कोई मैं न्याय नहीं दिलाता है। हम कैसे हो सकते? हमारे पापा भी चले गए, हमें पापा मार दिया गया, तो हमें न्याय चाहिए, हमको न्याय दिलाइए। भाई नहीं है आपने? भाई नहीं है हमारा। आप चारों बहने? हाँ जी, चार बहने हैं हम। अभी तो वो शादी करने को काया रह गए, तो ऐसे हमारे पापा के साथ कर दिया, हम लोग कहाँ भटकेंगे बताओ। हमारी बहनें कहाँ जाएंगी, इनकी शादी नहीं हुई है, कौन करेगा? सारा घर खेत ले लिया है। उसे प्रधान का भी आता है, उनका पूरा सपोर्ट कर रहा है प्रधान, पूरा सपोर्ट। कुछ पैसा नहीं दिया आप लोगों ने? एक पैसा नहीं दिया है। हम बोलते पैसे दिए, सब झूठ बोलते हैं। ये सबसे छोटी बहन है? हाँ जी, सबसे छोटी सिस्टर नंदिनी। नंदिनी, तो वहाँ पे गांव वाले क्या कुछ बोलते हैं? सब यही बोलते हैं, मतलब उनको ही बोलते हैं काशी प्रसाद को। और पुलिस के पास गए, थाने पे गई आप लोग? वो कोई सुनवाई नहीं है हमारी, कहीं भी नहीं है कोई सुनवाई। प्रधान भी उनके साथ मिला हुआ है, हमारी कोई सुनता नहीं है। हम योगी जी के पास भी आ चुके हैं 4 बार। कितनी उम्र है आपकी? हमारी अभी 15 साल। पढ़ रही हैं आप? हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई छोड़ के यहाँ आए हैं। पेपर छोड़ के ही? पेपर हमारे पेपर भी चल रहे हैं और मैं पढ़ाई छोड़ के ऐसे ही आ गई। कौन सी क्लास?
नाइन्थ क्लास में हूँ अभी। नाइन्थ क्लास की पढ़ाई आप छोड़ के आई? हाँ जी। ठीक है, देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, ये आपके सामने साफ नज़र आ रहा है। परिवार है, न्याय की दरकार में मुख्यमंत्री आवाज़ भी गया, मुख्यमंत्री के पास भी गया, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पाया। लेकिन अब जो है ये मुख्यमंत्री को छोड़ के अखिलेश यादव के दरबार में आए, इनको उम्मीद है कि अखिलेश यादव इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे।